Hello guys, I'm Aryan Singh, a third year MBBS student at All India Institute of Medical Science, New Delhi. And guys, in this video, we will be talking about ki boards mein, how can you secure 100 out of 100 marks in biology. Mind it guys, 100 out of 100 marks in biology, mere khud ka score tha 100 out of 100 biology mein, overall percentage mere CBSE mein 96.2% tha, theek hai. तो बायोलॉजी में कैसे 100 आउट ऑफ 100 सिक्योर करें, इस वीडियो में हम लोग अच्छे से बात करेंगे उस पर. एंड तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी. मैं बता रहा अगर आपके अगर आप भी 30-40 नंबर भी है ना बायोलॉजी में, मैं बता रहा इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद, और जो मैं आपको प्लान बताता हूँ वो अगर आप एग्जीक्यूट करते हो, ठीक है, आप इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप पक्का है यार, पक्का है, गारंटीड है, आप डेफिनेटली एक बेनिफिट रीप कर पाओगे. एंड 90 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं जा रहे अगर आपके अभी 30 से 40 मार्क्स पे भी 100 में से आ रहे हैं, ठीक है. तो गाइस पहली बात करते हैं कि आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए बायोलॉजी के बोर्ड्स के लिए, ठीक. अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो, ठीक है, और नहीं तो आप सिर्फ अगर प्योर बोर्ड्स के भी एस्पिरेंट, तो आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि बोर्ड्स कैसे रोल प्ले कर रहे हैं नीट के प्रिपरेशन में. आप जब बोर्ड्स के लिए पढ़ोगे ना यार, जब जब भी आपके दिमाग पे स्ट्रेस होता है ना कोई चीज़ का, या फिर आपके ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर हो रहा होता है, आपके पास एक डेडलाइन होती है, आपके पास एक गोल होता है ना कि यार अब तक मेरे को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, तब आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम से एक रात पहले आप क्या सुपर ह्यूमन की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पर पढ़ रहे होते हो और काफ़ी यू नो फोर्स कर रहे होते हो अपने आप को वो इन्फॉर्मेशन को इनगल्फ करने के लिए, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए आप अपने आप अपने ब्रेन को फोर्स कर रहे होते. तो वही होगा यार, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे ना, तो आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी एंड आपको नीट में भी बहुत फ़ायदा होगा. मैंने यही किया था एंड बोर्ड्स के प्रिपरेशन की वजह से यार नीट में बहुत फ़ायदा हो गया था. डायग्राम चप्पा चप्पा याद हो गया था, लाइन एनसीईआरटी की याद हो रखी थी बोर्ड्स में यू नो आंसर लिखने के लिए. तो वो पक्का आपको हेल्प करेगी, क्योंकि नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं. 85 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं. ये तो फायदा हो गया उनको जो नीट के साथ बोर्ड्स भी दे रहे हैं, ठीक है. एंड जो डायरेक्टली जो बोर्ड्स दे रहे हैं, मैं उनको ये एडवाइस देना चाहूँगा यार गाइज, प्लीज़ बोर्ड्स पे आप फोकस कीजिए. जो अचीवेबल है ना, प्लीज़ वो अचीव कीजिए. ये मत सोचिए यार, अभी ये सोचने का समय नहीं है आपके पास कि यार बोर्ड्स के मार्क्स का क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है. क्योंकि आपके दिमाग में तो आएगा ना, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हो, कोई चीज़ करना चाहते हो एंड वो आपको टफ लगती है, तो आपका माइंड एक्सक्यूज देना शुरू करता है, यार इससे इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा लाइफ में मेरे, मैं क्यों करूँ. नहीं यार, आप करके देखो, आप अचीव कर सकते हो, अपने को धोखा मत दो, धोखे में मत रखो. आपको डेफिनेटली एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, आपको DU कॉलेज अच्छा मिलता है अगर आपको आप कुछ भी परस्यू करना चाहते हो, BSc भी करना चाहते हो बायोलॉजी से, या फिर आपको और मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो, बोर्ड्स के परसेंटेज एक इंप्रेशन छोड़ते हैं आपके एग्जामिनर्स पे, ठीक है, कि आपने हाँ मेहनत की है. वो हाँ डेफिनेटली आपका इंटेलिजेंस लेवल नहीं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको रट के देना, पर ये ज़रूर दिखाते कि हाँ आपने मेहनत की उस चीज़ के लिए, आपने कैजुअली नहीं लिया, वो आपको अप्रोच दिखाते हैं, ठीक है. तो कैजुअली मत लेना यार, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत से कॉलेजेस में, अब्रॉड में हो या फिर यहाँ पे हो, मायने रखता है आपके बोर्ड्स में कितने परसेंटेज हैं. एंड बोर्ड्स के परसेंटेज में आपका बायोलॉजी इजीली रोल प्ले कर सकता है अगर आप उसमें बहुत अच्छा नंबर लाते हो. और पॉसिबल है यार 100 आउट ऑफ 100 बायोलॉजी में लाना, तो क्यों ना ट्राई करें, ठीक है. अब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आप देखो, आपको न्यूमेरिकल समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर तो आपको रटना है और लिखना है, एज सिंपल एज दैट. और इसमें कोई इंटेलिजेंस का रोल ही नहीं है यार. मैं कुछ और आपको टिप्स बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप बहुत ईजिली तुरंत मार्क्स बूस्ट करोगे, आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा, अभी आप देखो लो. अब बात करते हैं कैसे करना है. सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही करने हैं. आप प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के पेपर उठाओ, नहीं तो आपके पास कोई बुक है जिसमें ना वन मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3-4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना किसी चैप्टर को आप कर रहे हो, तो पहले वो क्वेश्चन देखो, उसके बाद आप चैप्टर प्रिपेयर करना शुरू करो, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है, आपको फोकस स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से चैप्टर को स्टडी करना है, ठीक है. अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप उतना रिलाई नहीं कर पा रहे, तो आस्क योर टीचर्स, उनको एक्सपीरियंस है, बोर्ड्स के टीचर को एक्सपीरियंस है किस साल किस टाइप का किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. आप अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हो, जैसे मैं हूँ, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. प्रीवियस ईयर पे रिलाई करो, बहुत हेल्प होगी, ठीक. अब प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लग गया, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पता चल गया,
अब उस पैटर्न को ना आप रेप्लीकेट कर दो बुक पे मार्क कर दो वो एरियाज जो इंपॉर्टेंट है एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज पर योर टीचर्स रिकमेंडेशन बुक में मार्क कर लीजिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. वंस यू आर डन विद दैट ठीक है अब आपको क्या करना है उन टॉपिक्स को पढ़ना है एंड देन एवरी डे बेसिस आपको पेपर सॉल्व करने हैं बोर्ड्स के बैठ के तबीयत से आपको बैठ के क्वेश्चन बोर्ड्स के पेपर के सॉल्व करने हैं प्रॉपरली. आप क्या करो शीट्स फोटोकॉपी कर लो जो बोर्ड्स टाइप की जो शीट आती है ना आपकी जो लैंडस्केप मोड वाली जो शीट होती है वो आप अपने स्कूल से ले लो अगर आप आप वो कर रहे हो क्या बोलते हैं उनको जो डमी स्कूल कर रहे होते हैं वो भी आप शीट ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो उसका फोटोकॉपी करा लो उसी शीट में ना अपने को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दो कि आप कितना मार्जिन छोड़ने वाले हो कितने पे स्केल बनाओगे स्केल से लाइन खींचोगे कितना कितना बड़ा आंसर्स किस कितने मार्कर के लिए आप लिखोगे 2 मार्क्स के लिए कितना लिखोगे 5 मार्क्स के लिए कितना लिखोगे 4 मार्क्स के लिए कितना लिखोगे ठीक है अभी से आदत डालना शुरू कर दो बोर्ड्स में नहीं तो आप अचानक से जब पेपर दे रहोगे ना तो नीटनेस आप मेंटेन नहीं कर पाओगे. प्रेजेंटेशन मैटर्स द मोस्ट मैं बता रहा हूँ यार एक दिन में मैंने खुद देखा है यार DPS वाराणसी का मैं स्टूडेंट हूँ ठीक है एंड और भी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर किए हैं जो एम्स में है सभी कहते हैं यार हमारे टीचर्स भी कहते हैं उसमें बिलीव नहीं होता था कि प्रेजेंटेशन मैटर करती है उनको तो कंटेंट देखना होगा. नहीं भाई अगर मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ जैसे मान लो ये है ठीक ये इतना गंदा घोंच पोच करके मैंने लिख दिया है कौन ये पढ़ेगा किसी को इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा. टीचर्स को भी जल्दी जल्दी करना है भाई जल्दी जल्दी चेक करना है तो वो अगर आप नीटली लिखे हुए हो अंडरलाइन कर दिए हो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को ठीक है वो डेफिनेटली उनका उस पर नजर जाएगी उनको पता है आपने अच्छा लिखा है इंप्रेशन ही पहले अच्छा होगा तो आपको एक नंबर बढ़ा के ही देगा कभी कम नंबर नहीं देगा. और सोचो अगर आप गंदा लिखे हो और हर क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर में आपका 0.5 कट जाए ठीक है और 5 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाए तो 2.5 नंबर तो ऐसे ही गए भाई जब ला सकते हो तो लाओ ना. और आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो आप जो क्वेश्चन पेपर्स आप अटेम्प्ट कर रहे हो लिख रहे हो तो अच्छे से कर लो यार थोड़ा मन लगा के कर लो ठीक है. तो आपको हैंडराइटिंग पे अपनी फोकस करनी है और ऑर्गेनाइज बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन बहुत बड़ा टिप है आप दिमाग में सोच के रखो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है कौन सी सेंटेंस पहले लिखनी है कौन सा सेंटेंस बाद में लिखना है कौन सा पॉइंट पहले लिखना है बाद में ग्राफ कहाँ ड्रॉ करना है डायग्राम कहाँ बनाना है वो सोच के रखो ठीक है प्रिपेयर करके रखो ठीक. सो गाइज दिस वॉज माई टिप कि आप कैसे अपने बोर्ड्स के मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो. आपके 10-15 नंबर 20-25 नंबर 30-40 नंबर भी आ रहे हैं अभी प्री बोर्ड्स में आए हुए हैं आपके पक्का है बोर्ड्स में 90-95 प्लस आप पहुंच जाओगे. बस इन जो मैंने टिप्स दिए हैं ना ये पॉइंट्स जो आपको मैंशन किए प्लीज़ फॉलो कीजिएगा. बाय द वे गाइज यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर मोर सपोर्ट यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम आर्यन राज सिंह एंड टेलीग्राम पे मैं अपने नोट्स अपने शेयर करता जा रहा हूँ ठीक है हैंड रिटन नोट्स भी शेयर कर रहा हूँ फिजिक्स के क्वेश्चंस भी मैं शेयर कर रहा हूँ अलॉन्ग विद द आंसर्स एंड लाइव सेशंस का भी मैं नोटिफिकेशन वही देता हूँ. इंसोनी ARS के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है डू ज्वाइन इट लिंक इज गिवन द डिस्क्रिप्शन बोथ इंस्टाग्राम एज वेल एज टेलीग्राम का. सो ऑल द बेस्ट गाइस कीप हसलिंग आगे और वीडियोस मैं बनाता रहूँगा एंड कॉमेंट सेक्शन जरूर मेंशन कर दीजिए और कौन सी बोर्ड्स की आपको वीडियो चाहिए. ऑल द बेस्ट गाइस.